पर आज राजधानी रायपुर से जहां पर बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मामले में बीजेपी सांसद संतोष पांडे का बड़ा आरोप है। गिरफ्तार विवेक सिंह स्वर्गीय नंदकुमार बघेल का सलाहकार राय से स्पष्ट है कि नंदकुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो हिमौला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे। अब भूपेश बघेल बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मौला मानपुर पुलिस ने 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए की लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। तो देखिए, सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के सांसद संतोष पांडे का ये बड़ा आरोप है। गिरफ्तार विवेक सिंह स्वर्गीय नंदकुमार बघेल का सलाहकार राय, ये कहना है उनका, तो इससे स्पष्ट है कि नंदकुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे। वो मौला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे। अब भूपेश बघेल जी बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूछ रहे हैं सांसद। संतोष पांडे का सनसनीखेज आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। नंदकुमार बघेल से रिलेशन जोड़े जा रहे हैं गिरफ्तार आरोपी के, और ये बड़ा आरोप क्या कुछ का है सुनवाते हैं आपको। स्वर्गीय पूज्य पिताजी का संबंध सुरजूराम टेकाम से यानी नक्सलियों से था, जेएनयू से था, वहां के लोगों को आमंत्रित करते थे और यहां जहर घोलने का काम आदिवासियों में यही करते थे। स्वर्गीय पूज्य पिताजी का बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के सांसद हैं। राजनांदगांव से सांसद हैं संतोष पांडे, जिनका ये गंभीर आरोप भूपेश बघेल पर है। भूपेश बघेल के साथ ही उनके स्वर्गीय पिता को भी घेर रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल जी बताएं रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल बीजेपी सांसद का ये आरोप है कि जो गिरफ्तारी हुई है उनके संबंध स्वर्गीय नंदकुमार बघेल से हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस खबर पर जुड़ गए। गौरव, बेहद गंभीर आरोप संतोष पांडे इस वक्त लगा रहे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे, नक्सलियों से संबंध है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से संतोष पांडे ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। मोहला मानपुर पुलिस की कार्रवाई का उन्होंने हवाला दिया। मोहला मानपुर पुलिस ने आज 4 नक्सलियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक विवेक सिंह भी गिरफ्तार किया गया। विवेक सिंह को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं संतोष पांडे की इनके संबंध जो है वो स्वर्गीय नंदकुमार बघेल से हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं, उनसे इनके संबंध रहे, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ भूपेश बघेल से सीधे तौर पर पूछ रहे हैं संतोष पांडे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश ठीक है। गौरव, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ खुद बीजेपी के सांसद संतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं। संतोष पांडे जी, बेहद गंभीर आरोप जो आप लगा रहे हैं भूपेश बघेल और उनके पिता पर, आपका कहना है कि सलाहकार उनके थे, रिश्ता उनका नक्सलियों से, किस आधार पर सर आप ऐसा कह रहे हैं? भूपेश बघेल के पूज्य स्वर्गीय पिताजी नंद कुमार बघेल जब भी राजनांदगांव जाते थे तो राजनांदगांव खैरागढ़ डोंगरगांव या डोंगरगांव में डोंगरगढ़ में देवी दर्शन के लिए नहीं जाते थे। वो जंगलों में किनसे मिलते थे, किनके साथ बैठक करते थे? वो सरजूराम टेकाम कौन है जिन्होंने रामायण को जलाया, ध्वज को जलाया, जो हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार करते थे, और उनके साथ बैठक करना स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी का ये क्या कहलाता है? और जब वो आते थे सुरजूराम टेकाम यहां सीएम हाउस में तो किस प्रकार से उनसे व्यवहार करते, उनके साथ अंदर में जाते गलबहिया करके, ये तो भूपेश बघेल जी ही बताएंगे। लेकिन संतोष पांडे जी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, 15 साल तक भी आपकी ही सरकार रही थी, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब आपको सब कुछ पता है, आरोप है, रिलेशन है उनके साथ, तो कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? आपको जानकारी नहीं है जी, आपको जानकारी नहीं है, स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी सबसे ज्यादा आना जाना इसी कार्यकाल में किए, अपने पुत्र के सीएम के रहते ही। और अब एक एक करके जो परत दर परत अभी वो खुलते जा रहा है, उनके साथ जो संबंध है, जेएनयू के लोग दिल्ली से आते थे और सीधे वहीं जाते थे, उनके साथ क्या मीटिंग करते थे बताएं?
तो कुल मिला करके अब वो समय आ चुका है, विष्णुदेव साय जी की सरकार में कार्यवाही तेज हो गई है और कोई नहीं बचेंगे। इसका मतलब संतोष पांडे जी आप लोग कार्रवाई करेंगे, भूपेश बघेल जी पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि स्वर्गीय नंद कुमार बघेल तो अब नहीं रहे, तो उनके रिलेशन अगर आप पिछले बाहर निकाल रहे हैं, 15 साल तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 5 सालों के भीतर उन्होंने ज्यादा बैठकें की हैं क्योंकि सरकार उनके बेटे की थी, ये गंभीर आरोप है, तो क्या अब आप लोग कार्रवाई करेंगे, किस पर कार्रवाई करेंगे अब आप? ऐसा है मैडम, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में गतिविधियां बढ़ी है, आपको ध्यान है जी। और उनके पूज्य पिताजी इसी पीरियड में सबसे ज्यादा प्रवास किए हैं, और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सुरजूराम टेकाम के साथ उनका क्या संबंध था जी। ठीक है, संबंध क्या था संतोष पांडे जी जान लेते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और संतोष पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सुरेंद्र वर्मा जी आपको ही बता दूं कि संतोष पांडे जी का ये गंभीर आरोप है, बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, सरजूराम टेकाम के साथ बैठकें करते थे नंद कुमार बघेल जी, भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगा रहे, नक्सलवाद से रिश्ते बताए जा रहे नंद कुमार बघेल के, क्या कहेंगे सुरेंद्र वर्मा जी आप? अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस निर्लज्जता से स्वर्गीय आत्माओं पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। धर्मेंद्र चोपड़ा के भाजपा सांसद से क्या संबंध है? जगत पुजारा पूरियम लिंगा भाजपा के तो जिला उपाध्यक्ष जो है ट्रैक्टर सप्लाई करते पकड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉक से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक प्रसारित हुआ, तो खाद पानी देने का काम तो ये करते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, आरोप संतोष पांडे जी का ये है कि आप लोगों के कार्यकाल में 5 साल के दौरान ज्यादा बैठकें हुई है। राजनाथ गांव जब वो जाया करते थे, डोंगरगढ़ जब नंद कुमार बघेल जी जाया करते थे, तब देवी दर्शन के लिए नहीं जाते थे बल्कि नक्सलवाद को लेकर बैठकें करने जाते थे, ये आरोप है। सरजू टेकाम किस मुठभेड़ में शामिल रहे ये बताएं, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के लिए प्रतिनिधि चुने हैं संतोष पांडे जी को देश की प्रदेश की और राजनांदगांव की जनता ने, अगर कोई तथ्य था तो इनके ऊपर कार्रवाई करते। 11 साल से 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पहले भी छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार में रही, अगर सरजू टेकाम की संलिप्तता थी तो ये कार्रवाई क्यों नहीं किए? और ये लगातार ये बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद नासूर बना, और हमारे पूर्ववर्ती 5 साल के कार्यकाल में जो है कांग्रेस के समय जो 58% नक्सल वारदात में और 80% जो है नक्सल शहादत में, नक्सल घटनाओं में जो जवानों की शहादतें होती थी उसमें कमी आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए इस तरह से तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी के आरोपों का संतोष पांडे जी। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, नाकामी छिपाने के लिए इस तरह से स्वर्गीय लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इनके प्रवक्ता और इनके लीडर का और बौद्धिक संतुलन बिगड़ गया है, ये दिवालियेपन की कगार पे है, संविधान की शपथ लेके कमर बांधे दंगा भड़का पे आज के तारीख में शर्म आनी चाहिए। संविधान की शपथ लिए इस प्रकार से आप केवल, अरे मेरे बात करने दो, मैं बात करूं, उन्माद भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी आपको वक्त दिया था, हम संतोष पांडे जी को भी सुन लेते हैं, उनको थोड़ा वक्त देते हैं, क्या वो कह रहे हैं पहले सुन तो लीजिए आप। क्या है स्पष्ट है, शायद आपको जानकारी फिर से बता दूं कि जो स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी के सलाहकार रहे विवेक सिंह और 4 नक्सलियों के साथ पकड़े गए हैं, जिनका मनी ट्रेल का मामला सामने आया है, टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आया है, तो कुल मिलाकर के इसको नकार नहीं सकते। प्रवक्ता को थोड़ा सा कहें, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा उसके विषय में ठीक जानकारी लें, आने वाले समय में ये बोल भी नहीं पाएंगे क्या बात करते हैं। और इनका इतिहास को याद का थोड़ी है, आतंकवादियों से और नक्सलवादियों से, और जिस प्रकार से इन्होंने खाद बीज पालन पोषण करने का काम इन्होंने किया है, ये सब प्रकार से, अरे सुनो मैं बता देता हूँ, शहादत हुई थी आपके क्षेत्र में, शर्म आनी चाहिए। चलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, मैं बात की शहादत हुई थी भाजपा के साथ सरकार के समय। अरे भैया
ठीक है संतोष जी, सुरेंद्र वर्मा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए एक बेहद गंभीर आरोप संतोष पांडे ने लगाया और इस पर हमने चर्चा भी की है। हालांकि कांग्रेस आरोप मढ़ रही है बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी का ये गंभीर आरोप है कि नंदकुमार बघेल के कार्यकाल के दौरान जब वो अपने बेटे के सीएम रहते, मीटिंगें करते थे, बैठकें करते थे, तब वो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे।